हेलो दोस्तों, आईपीएल 2020 में कल 16 अक्टूबर को मुंबई इंडियंस यानी एमआई वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर के बीच मैच है। तो आज के इस वीडियो में आज हम इसी से रिलेटेड काफ़ी जानकारी देखने वाले हैं, जैसे कहाँ पे मैच है यानी वेन्यू, पिच रिपोर्ट कैसी है, टीम न्यूज़ यानी कौन आएगा या कौन जाएगा टीम से, टीम की परफॉर्मेंस, प्लेइंग 11, हॉट पिक्स, हाई परफॉर्मेंस और आखिर में ड्रीम 11 की विनिंग टीम जिससे आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब चलते हैं इस जानकारी पर। कल की मैच है शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में। तो इसकी पिच रिपोर्ट है कि आप अभी तक यहां पे जितने भी आईपीएल के मैचेस हुए इसमें एवरेज स्कोर है 160 का, लेकिन मुंबई इंडियंस ने अब तक तीन मैचों में तीन बार 190 प्लस का स्कोर यहाँ पे किया है, क्योंकि इनके पास काफ़ी बड़े बड़े हिटर है जैसे कि केरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, कृणाल पांड्या, रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े हिटर्स है। इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे तीन बार 190 प्लस स्कोर किया है। अब बात करते हैं टीम न्यूज़ के बारे में। मुंबई इंडियंस की बात करें तो कुल्टर नाइल शुरुआत में इंजर्ड थे, इसी वजह से जेम्स पैटिनसन को उनके जगह पे मौका मिला था, लेकिन अब न्यूज़ आई है कि कुल्टर नाइल रिकवर हो चुके हैं और अब उन्हें टीम में लिया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्हें किन किसकी जगह पे टीम में लिए शामिल किया जा सकता है, क्या जेम्स पैटिनसन को बाहर निकाला जा सकता है, ऐसी न्यूज़ आ सकती है। अब टीम न्यूज़ की बात करें केकेआर के बारे में। जी हाँ, केकेआर के सुनील नरीन अभी भी इंजरी से रिकवर होने की न्यूज़ नहीं है, तो वही उनकी बॉलिंग की धार काफ़ी कम नज़र आ रही है, इसी वजह से लॉकी फर्गुसन कल टीम में वापसी कर सकते हैं। तो अगर वो वापसी करते हैं तो शायद बेंटन फिर से टीम से बाहर जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इस स्टेडियम पे दोनों टीमों का परफॉर्मेंस किस तरह का है। मुंबई इंडियंस ने यहाँ पर कुल मिला के 5 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने चेन्नई के खिलाफ पहली मैच में हार मिली थी, जिसके बाद उन्होंने चारों मैचेस में जीत हासिल की और वो टॉप पे है अभी पॉइंट्स टेबल में। तो वही बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की, इस स्टेडियम पे उन्होंने अब तक 4 मैचेस खेले हैं, जिसमें से पहली मैच हारने के बाद उन्होंने लगातार 3 जीत यहाँ पे दर्ज की है और अभी भी वो और अब कोलकाता नाइट राइडर्स पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर है 8 पॉइंट के साथ। तो अब बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। कोलकाता के प्लेइंग 11 रहेगी शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, नीतीश राणा, इयान मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, एंथनी रसेल, पैट कमिंस, कमलेश नागरगट्टी, वरुण चक्रवर्ती, बेंटन या फिर लॉकी फर्ग्यूसन और प्रसिद्ध कृष्णा। मुंबई की बात करें तो टीम इस तरह से हो सकती है, क्वांटन डिकॉक, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, केरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, जेम्स पैटिनसन या फिर कुल्टर नाइल, राहुल चहर, ट्रेट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह। हॉट पिक्स की बात करें तो हॉट पिक्स रहेंगे शुभमन गिल केकेआर की तरफ से, इयान मॉर्गन केकेआर की तरफ से, तो वही मुंबई की ओर से क्वांटन डिकॉक, केरन पोलार्ड और सूर्य कुमार यादव। अब बात करते हैं हाई परफॉर्मेंस की। बल्लेबाजी में मुंबई इंडियंस की तरफ से हाई परफॉर्मेंस रहा है यहाँ पे इस स्टेडियम पे रोहित शर्मा का, जिन्होंने 5 मैचेस में 12, 80, 70, 35 और 5 इस तरह से रन बनाए हैं। तो वही दूसरे हाई परफॉर्मेंस रहेंगे सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने इस स्टेडियम पे 17, 47, 10, 79 और 53 इस तरह से 3 बड़े स्कोर बनाए हैं। तो केकेआर की तरफ से सिर्फ एक ही बल्लेबाज यहाँ पर दिख रहे हैं, वो है शुभमन गिल। इन्होंने यहाँ पे 4 मैचेस में 7, 70, 11 और 57 इस तरह से 4 मैचेस में 2 50s लगाई है। इसके बाद बात करते हैं गेंदबाजी में। गेंदबाजी में मुंबई की तरफ से यहाँ पे 4 प्लेयर दिख रहे हैं, जिसमें ट्रेट बोल्ट है जिन्होंने 5 मैचेस में
एक दो एक दो एक, इस तरह से कुल मिलाकर 7 विकेट ली है। तो वही है जेम्स पैटिनसन, जिन्होंने यहाँ पे 1-2-0-2-2, इन्होंने भी 5 मैचों में यहाँ पे 7 विकेट लिए। तो जसप्रीत बुमराह की बात करें तो इन्होंने अब तक इस स्टेडियम पे 9 विकेट ली है और इसमें 1-2-2-4 और आखिरी मैच में 0 थी। तो राहुल चहर रहेंगे चौथे परफॉर्मेंस, इन्होंने यहाँ पे 1-2-2-1, इस तरह से इन्होंने भी यहाँ पे 6 विकेट ली है। तो यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो यहाँ पे रसेल है जो मिला जुला रहा है इनका, इन्होंने 5 मैचेस में 4 विकेट ली है और हर मैच में 1 ली है, आखिरी मैच में 0। तो शिवम मवी है यहाँ पे परफॉर्मेंस, लेकिन वो अभी टीम में नहीं खेल रहे इसलिए मैं इनका नाम नहीं ले रहा हूँ। और आखिरी मैच में प्रसिद्ध कृष्णा खेले थे जिन्होंने यहाँ पे 3 विकेट ली थी। तो चलिए अब देखते ड्रीम इलेवन की वो टीम जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप, तो अब ड्रीम इलेवन के में जाकर मुंबई इंडियंस वर्सेस के केआर की टीम पर हमें क्लिक करनी है। इसके बाद क्रिएटर टीम पर क्लिक करनी है। तो सबसे पहले चलते हैं विकेट कीपर पे। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास विकेट कीपर में 3 अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, जिसमें है एक डिकॉक, कार्तिक और ईशान किशन। तो हम डिकॉक को नहीं छोड़ सकते क्योंकि डिकॉक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, हालांकि बीच में थोड़े फॉर्म उनका गया ऐसा लग रहा था, लेकिन वो वापस लय में आ चुके हैं तो इन्हें हम नहीं छोड़ सकते, इन्हें हम पिक करेंगे। इसके बाद दिनेश कार्तिक की बात करें तो उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले 150 की, लेकिन उसके बाद फिर से वो 1 रन पर आउट हो गए। तो अब तक उन्होंने 190 पॉइंट दिए हैं, तो इतने अच्छे फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे इसलिए हम उन्हें नहीं लेंगे। और ईशान किशन की बात करें तो वो कुछ ही मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस करके अब तक 254 पॉइंट्स दे चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो हम इन्हें पिक ज़रूर करेंगे। इसके बाद चलते हैं बल्लेबाजी पर। बल्लेबाजी में अब को समय रोहित शर्मा को नहीं छोड़ना है, उन्हें पिक करना है, क्योंकि अगर हम उन्हें छोड़ देते और वो अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते तो हमारी पूरी लीग ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए हम रोहित शर्मा को अपनी टीम में ज़रूर लेंगे। इसके बाद बात करेंगे शुभमन गिल की। शुभमन गिल ऑफकोर्स कोलकाता की तरफ से मेरे ख्याल से इस सीज़न में सबसे अच्छी बल्लेबाजी वही कर रहे हैं, तो इसलिए हमें उन्हें भी पिक करना ही होगा। इसके बाद ईयान मॉर्गन, जी हाँ, ईयान मॉर्गन के कोलकाता ने काफ़ी बार क्रम बदले है, कहीं पे भी उन्हें बल्लेबाजी के लिए बुला रहे, लेकिन फिर भी वो अच्छा खेल रहे। अब तक उन्होंने 253 पॉइंट्स दे दिए हैं, इसलिए हम उन्हें भी इस मैच में पिक करेंगे। इसके बाद बात करें नीतीश राणा को हम नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे, इसलिए उन्होंने इस साल इतना खास परफॉर्मेंस भी नहीं दिया, इस वजह से मैं इन्हें पिक नहीं करूँगा। अब पांड्या को हम नहीं ले सकते क्योंकि उनके 9 क्रेडिट है, इसलिए हमें वो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस भी नहीं दे पा रहे, वो सिर्फ बल्लेबाजी में आ रहे हैं, वो भी काफ़ी नीचे आते हैं, इसलिए हम उन्हें सिलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो सूर्य कुमार यादव को हम यहाँ पे पिक करेंगे, वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और मुंबई की तरफ से 1 डाउन या 2 डाउन पर आ जाते हैं और वो अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं और उन्होंने अब तक 338 पॉइंट्स दे दिए हैं। तो अब चलते हैं ऑलराउंडर्स पर। जी हाँ, ऑलराउंडर्स में ऑफकोर्स हमें केरन पोलार्ड को सिलेक्ट करना है क्योंकि वो काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, अगर बल्लेबाजी आती है तो धमाकेदार बल्लेबाजी कर लेते हैं और काफ़ी सारे पॉइंट देते हैं और गेंदबाजी भी उन्हें मिल रही है। उन्हें विकेट्स मिलती है या नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन गेंदबाजी भी उन्हें मिल रही है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास खुले रहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास अब 7 प्लेयर हो चुके हैं, हमारे पास 34.5 क्रेडिट लेफ्ट है। तो अब हम यहाँ पे कृणाल पांड्या को सिलेक्ट कर लेते हैं, इन्होंने पिछले 2 मैचेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और आप देख सकते हैं 213 पॉइंट अब तक वो दे चुके हैं। अब चलते हैं गेंदबाजी पर। जी हाँ, गेंदबाजी में हमें पैट कमिंस और जसप्रीत बुमराह को ज़रूर लेना है क्योंकि ये दोनों अच्छे गेंदबाजी कर रहे हैं और दोनों के दोनों अपनी अपनी टीम के लिए काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्रेडिट बचे हैं 8 में हमारे पास
एक ऑप्शन है वरुण चक्रवर्ती, दूसरे ऑप्शन है नागरकोटी, तो तीसरे ऑप्शन है प्रसिद्ध कृष्णा। आप जिन्हें चाहे उन्हें ले सकते हैं, लेकिन मैं पॉइंट के हिसाब से आपको बताता हूँ कि अब तक वरुण चक्रवर्ती ने 175 पॉइंट दिए हैं, तो वही नागरकोटी ने 142 पॉइंट दिए, तो वही प्रसिद्ध कृष्णा ने 106 पॉइंट दिए। तो इस हिसाब से मैं वरुण चक्रवर्ती को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप चाहे तो नागरकोटी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर प्रसिद्ध कृष्णा को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती को सिलेक्ट किया है। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारी टीम किस तरह से बनी है, कॉन्टर डिकॉक, ईशान किशन, रोहित शर्मा और यादव। आप चाहे तो कृणाल पांड्या की जगह कोलकाता का कोई बल्लेबाज भी ले सकते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको, कृणाल पांड्या की जगह हम राहुल त्रिपाठी को भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये अच्छी टीम बन गई है। राहुल त्रिपाठी आ गए, यान मॉर्गन आ गए और शुभमन गिल आ गए केकेआर की तरफ से। तो पोलार्ड आए हैं ऑलराउंडर्स के हिसाब से और जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी में, तो पैट कमिंस और वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी में रहेंगे। तो अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि कॉन्टन डिकॉक, ईशान किशन, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, ईयान मॉर्गन, त्रिपाठी, आप को पोलार्ड, इन सब में से किसी एक को कप्तान या वाइस कप्तान बनाइए। और बात करता हूँ कि मैं किसे कप्तान और वाइस कप्तान बनाऊँगा। मैं कप्तान बनाऊँगा कॉन्टन डिकॉक को, तो वही वाइस कप्तान बनाऊँगा मैं रोहित शर्मा को। ये अच्छे ऑप्शन लगा मुझे नज़र आ रहे हैं और दोनों की दोनों ओपनिंग के लिए आते हैं। ओपनिंग में आकर वो अच्छी ओपनिंग देते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। या फिर आप वाइस कप्तान शुभमन गिल को भी बना सकते हैं, वो भी अच्छे खासे रन बना रहे। तो चलिए हम टीम सेव करते हैं। इस तरह से थे ये हमारे ड्रीम इलेवन की विनिंग टीम। तो आज की इस तरह की सब जानकारी मैंने आपको दी है। आपको ये जानकारी और ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए और मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।